नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से अफरा तफरी मच गई थी। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। सोमना टू में सड़क निर्माण कार्य में सेना जुटी हुई है। 291 लोगों को बचाया गया है, बर्फ के नीचे फंसे कुछ और लोग। इसके बाद लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड के चमोली जिले से मिल रही है। आपको बता दूं कि सोमना टू में सड़क निर्माण कार्य में जुटे व्यक्तियों को बचाने में सेना का अभियान लगातार जारी है। सेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि राहत बचाव के दौरान 291 व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बर्फ के नीचे फंसे शेष व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। बताया गया है बर्फबारी के बीच भी सेना ने रेस्क्यू जारी रखा है। रात को रेस्क्यू रोकने के बाद सुबह फिर से रेस्क्यू जारी हो चुका है। बताया गया है कि 23 अप्रैल की दोपहर सोमना टू के बीआरओ शिविर में हिमस्खलन हुआ था, जिससे शिविर तबाह हो गया था। शिविर में सड़क निर्माण में मजदूर जुटे हुए थे। मशीन चालक, अधिकारी, कर्मचारी लगातार मौजूद थे, जिनकी संख्या अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन सेना का कहना है कि अभी कई लोग लापता है और इसकी सूचना मिली है और इसी आधार पर लगातार रेस्क्यू जारी है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको बताता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।